करनाल पुलिस ने नशा तस्करों पर नकेल कसते हुए 4 लाख रुपए का चूरा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने एक नशा तस्कर को काबू किया है। आपको बता दें कि गांव राय फार्म काछवा में स्थित नशा तस्कर ने अपने खेत में चूरा पोस्त छुपा रखा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारते हुए कार्यवाही की। यहां आपको बताते चले कि करनाल पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल इंचार्ज मोहनलाल व उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव राय फार्म काछवा ने स्थित अपने खेत में एक नशा तस्कर ने काफी अधिक मात्रा में नशीला पदार्थ छुपाकर रखा हुआ है, जिससे वह नशे का अवैध कारोबार को अंजाम देता था। सूचना मिलते ही एंटी नारकोटिक सेल की टीम द्वारा खेत में आरोपी को गिरफ्तार किया गया व उसके कब्जे से कुल 100 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है, जिस पर थाना सदर करनाल में धारा 15 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह पिछले 1.5-2 साल से चूरा पोस्त बेचने का धंधा करता है। आरोपी हरियाणा व पंजाब में लोगों को नशे का सामान सप्लाई करता था। आरोपी पहले अपनी पत्नी के हत्या के केस में जेल में सजा काट चुका है। अब पुलिस के रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। देखिए करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। देखिए जैसा आप जानते हैं कि करनाल पुलिस की लगातार नशे के खिलाफ जो है मुहिम चल रही है, इसके संबंध में हमने एक डेडिकेटेड टीम भी बना रखी है एंटी नारकोटिक सेल। तो कल एंटी नारकोटिक सेल के जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर मोहनलाल, उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि काफ़ी मात्रा में जो पॉपी हस्क है या चूरा पोस्त है वो एक जगह पर कहीं किसी ने अपना छुपा रखा है। तो इस इंफॉर्मेशन को फर्दर डेवलप करते हुए वहाँ रेड की गई और राय फार्म काछवा से एक व्यक्ति जिसका नाम मंजीत सिंह उर्फ फौजी, इसको गिरफ्तार किया गया और इसके खेतों से वहाँ 100 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया है। प्रीलिमिनरी पूछताछ में जो इसका सोर्स था उसके संबंध में भी इसने कुछ रिवील किया है, जो कि आज इसको पेश करके पुलिस रिमांड लेके और इसमें संभव है कि कल परसों तक और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी और ज़्यादा बरामदगी होने की पूरी हमारे को इसमें उम्मीद। सूचना प्राप्त हुई है, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है कि ये पहले भी इसने अपनी वाइफ का ही मर्डर कर दिया था और काफ़ी साल जेल में रह के भी आया है। 2002 की बिहार की ये घटना है। बाकी हम वेरीफाई कर रहे हैं इसका जो और क्या क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो सारा भी वेरीफाई किया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।